अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुकद्दस चौधरी और फिट लाइफस्टाइल में आप सबका खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपनी जिंदगी में खुश होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कुछ टिप्स और होम रेमेडीज जिसके इस्तेमाल से आप अपनी स्वेटी या फिर स्मेली अंडर आर्म से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जो अंडर आर्म्स की स्वेटिंग होती है और जो स्मेलिंग होती है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। डेफिनेटली जो स्वेटिंग या फिर पसीना आता है उसकी वजह से ही बाद में आपको स्मेल आने लगती है। मोस्ट प्रोबेबली जो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, जब वो अपनी प्यूबर्टी या फिर अपनी टीन एज में जाते हैं, तब जाके उनके जो उनसे स्वेटिंग ग्लैंड होते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा स्वेटिंग और स्मेलिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपके अंडर आर्म्स में स्वेटिंग होना इट्स अ टोटली नेचुरल थिंग, बट कई लोगों को नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट में स्वेटिंग होती है। उस चीज को भी हम कहते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। इस कंडीशन में आपको एक्सेस स्वेटिंग होती है। ऑल्सो जो आपके अंडर आर्म्स होते हैं उनमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि आपकी अंडर आर्म्स में स्वेटिंग को प्रोड्यूस करता है और जो उसकी स्मेल, जो उसकी ओडोर आती है उसका भी कॉज होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो एक होम रेमेडी, वो एक टिप शेयर करने लगी हूँ जिसके पहले ही इस्तेमाल से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, आखिर तक ये वीडियो देखते रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप मेरा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एलम, जिसको फटकरी भी कहा जाता है, इसका नाम तो हम सबने सुना ही हुआ है, साथ ही साथ में इसको इस्तेमाल भी हमने किया ही हुआ है। बट क्या आप लोग जानते हैं कि इस एक चीज के इस्तेमाल से आप अपनी बॉडी ओडोर या फिर अपने स्वेटी और स्मेली अंडर आर्म से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, एलम यानी के फटकरी वो एक ऐसी इंग्रीडियंट है जिसके इस्तेमाल से, जिसके पहले ही इस्तेमाल से आप अपनी बॉडी ओडोर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और आपने इस चीज से तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि क्या पता इसको इस्तेमाल करने से कोई साइड इफेक्ट हो जाए आपकी बॉडी पर। ये एक क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट है जिसको बहुत सी मेडिसिनल और मेकअप प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके आर्मपिट्स होते हैं वहाँ पे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वो बैक्टीरिया ही आपके जो स्मेली अंडर आर्म्स होते हैं आपकी जो बॉडी ओडोर होती है उसका बाइस बनते हैं। तो इनडायरेक्टली मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि अगर आप इस एलम यानी के फटकरी के क्रिस्टल का इस्तेमाल करेंगे तो असल में आप अपने स्मेली अंडर आर्म से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर मैं एलम यानी के फटकरी के बारे में आपको बताऊँ तो ये एक 100% सॉल्ट का क्रिस्टल होता है, जो कि सिर्फ एक इंग्रेडिएंट यानी के पोटेशियम एलम से बना होता है। इसके अलावा इसके अंदर कोई और केमिकल, कोई और इंग्रेडिएंट नहीं पाया जाता, इसलिए ये टोटली सेफ टू यूज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपने असल में फटकरी यानी के एलम के क्रिस्टल को इस्तेमाल कैसे करना है। फटकरी को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, इसके आपने इसको डायरेक्टली अपनी अंडर आर्म्स पर अप्लाई करना है। आपने करना ये है कि जब आपने शॉवर लेना है, शॉवर के दौरान जब आपने अपनी अंडर आर्म्स की वैक्सिंग की है या फिर शेविंग की है, उसके बाद आपने इस क्रिस्टल को पानी के नीचे थोड़ा सा गीला करना है, एंड देन इसको अपने अंडर आर्म्स पर अप्लाई कर लेना है, ताकि जो एलम यानी के फटकरी की एक लेयर है वो आपके अंडर आर्म्स पर रह जाए। इसको लगाने के बाद आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप अपनी अंडर आर्म्स को वॉश करें, जिस तरह आप एक डिओडोरेंट अप्लाई करती है उसी तरह से ही आपने एलम को भी अपने अंडर आर्म्स पर अप्लाई कर लिया है, एंड देन सेट। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। ये तरीका है कि आपने एलम को यानी के फटकरी को एक डिओडोरेंट बनाकर अपने पास सेव कर लेना है, एंड देन इसको इस्तेमाल करना है। इस नेचुरल डिओडोरेंट को बनाने के लिए आपने करना ये है कि आपने 18 ग्राम या फिर आपने 1 टेबल स्पून फटकरी के पाउडर को लेना है। फटकरी का पाउडर आपने इस तरह से बनाना है कि जो फटकरी का जो क्रिस्टल, जो पत्थर आता है, उसको आपने मोटर पेसल में पहले पीस लेना है। पीसने के बाद आप उसमें से 1 टेबल स्पून फटकरी के पाउडर को लेंगी और उसमें 100 ml यानी के हाफ कप रोज वाटर को ऐड कर लेंगी। इन दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स करें, ताकि जो फटकरी का पाउडर है वो टोटली रोज वाटर यानी के अर्के गुलाब में मिक्स हो जाए। इसके बाद आप इसमें 1 to 2 ड्रॉप या फिर 1 से 2 कतरे ग्लिसरीन के ऐड करेंगी और आपका नेचुरल डिओडोरेंट तैयार है।
इसको आपने एक स्प्रे बोतल लेनी है और उसके अंदर डालकर सेव कर लेना है। जब भी आप शॉवर लें, जिस तरह से आप डिओडोरेंट अप्लाई करती थी उसी तरह से अब आपने इस स्प्रे को 2 से 3 पंप्स अपने अंडर आर्म्स पर लगाने हैं एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। नाउ द पॉइंट इज के फटकरी के डिओडोरेंट को लगाने से होता क्या है, यानी कि ये काम कैसे करता है। फटकरी काम इस तरह से करती है कि जो आपके अंडर आर्म्स होते हैं वहां पर ये एक सॉल्ट की लेयर बना देती है जो एक बैरियर की तरह काम करती है। ऑल्सो एलम में मौजूद होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, तो जो बैक्टीरिया आपके अंडर आर्म्स में स्मेल या फिर ओडोर प्रोड्यूस कर रहा था वो इससे किल हो जाएगा, जिससे आप स्वेटी और स्मेली अंडर आर्म्स से आराम से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। दोस्तों ये था फटकरी का वो इस्तेमाल जिससे आपको स्वेटी और स्मेली अंडर आर्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आज की वीडियो का इख्तिताम यहाँ पर ही करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।